each and every person. And now we have a last Ekalavya. He will complete it soon. Then we'll have that FEC burning of criminal Appara. कॉमरेड, सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित आप तमाम लोगों को मैं इंकलाबी सलाम पेश करता हूँ। यहाँ पे बताने जैसा कुछ नहीं है। हमारे पहले जो कॉमरेड आए उन्होंने बताया, उन्होंने मेरे भी चप्पल तोड़े हैं, आपके भी तोड़े हैं, उन्होंने मेरे भी कपड़े फाड़े हैं, आपके भी फाड़े हैं। बात पुलिस महिला कैसे हटा सकती है 50 महिलाओं को, 50 लड़कियों को, ये तमाम लोग हमारी जो बहने हैं, जो हमारे साथ कंधा देने वाले लोग थे, उनके कपड़े फाड़े। सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है कि वे हम पे लाठी चार्ज किए, सवाल ये भी नहीं है कि वे हमारा गला दबा रहे थे। सवाल ये है कि स्टेट पूरी तरह से नंगा होकर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में आया है। ये स्टेट कल तक दंतेवाड़ा में था, कल तक छत्तीसगढ़ में था, परसों तक मणिपुर में था, कश्मीर में था, लेकिन आज आपके आंखों के सामने है। हमारे हमको और आपको टारगेट कर रहा है मित्रों, और ये समय जब स्टेट क्रूरतम से क्रूरतम रूप में हमारे सामने है, ये समय बिल्कुल रोने का नहीं है, ये समय बिल्कुल हताश होने का नहीं है, ये समय जश्न मनाने का है। ये जश्न होगा जो लोग भी विक्टिम है, जिन लोगों ने लाठियां खाई है, ये अगले 50 साल तक स्टेट से लोहा लेंगे। ये तमाम लोग, ये तमाम छात्र नौजवान जिन्हें क्रूरतम से क्रूरतम तरीके से मारा गया, ये स्टेट के चमचे अप्पा राव, बिपिन श्रीवास्तव, आलोक पांडे, ये स्टेट के चम्र पुलिस कमिश्नर ऑफ रंगारेड्डी जिला, ये तमाम लोग जो हमारे आंदोलन को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, वो आंदोलन जिसने पूरे देश को रास्ता दिखाया। जेएनयू के बाद एचयू ने बताया कि बिना हिंसा के कैसे आंदोलन होता है। जेएनयू ने बताया कि वो समय है जहां लेफ्ट दलित ट्राइबल मिलकर स्टेट से लोहा लेंगे, लेफ्ट दलित ट्राइबल मिलकर ट्रामिकल फोर्सेस को धक्का देंगे। उस यूनिवर्सिटी के आंदोलन को स्टेट ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, और आज अगर हम डर गए, हमारे साथी जेल में है, कई साथियों पर FIR दर्ज है, और हो सकता है कि हम पे और आप पे भी आने वाले दिनों में दर्ज हो। ये समय मैं बिल्कुल, मेरे पास कहने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है, बस इतना ही अपील करने के लिए आया हूँ, ये समय 1% भी पीछे हटने का नहीं है। ये समय कंधे से कंधे मिलाकर स्टेट को चैलेंज करने का है। ये समय जो साथी हमारे साथ है उनको लेके आगे बढ़ने का है, और जो भी हमारे सामने आएगा उसको ध्वस्त करने का है। इंकलाब जिंदाबाद।